इंतखाबों के मद्देनजर मतदाताओं को विश्वास दिलाने के लिए कि वे पूरी तरह से सुरक्षित है और किसी भी तरह से चुनावों में कोई व्यवधान पड़ने वाला नहीं है, इसके लिए सोलन की सड़कों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस दोनों मिलकर लगातार काम कर रही है ताकि मतदाताओं को ज्ञात हो कि चुनाव किसी के दबाव में नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से होने जा रहे हैं। अधिक जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सोलन शहर में पैरामिलिट्री फोर्सेस गश्त कर रही हैं ताकि मतदाता निर्भीक होकर घरों से बाहर निकले और अपने मत का प्रयोग कर अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुन सके। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष करवाने के लिए ईमानदारी जिम्मेदारी के साथ जिला प्रशासन कर्तव्यबद्ध है और इसीलिए वे लगातार शहर में गश्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह की असुरक्षा किसी भी व्यक्ति को महसूस होती है तो वे बेझिझक पुलिस और फोर्सेस को बता सकता है। 2019 के लोकसभा के जो चुनाव हैं उसके लिए जो दूसरी राज्य हैं उनके साथ जो बॉर्डर हैं उनकी सीमाओं को सील कर दिया गया है। सोलन पुलिस ने 7 नाके लगाए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस जगह जगह पर गश्त कर रही है और सोलन पुलिस को एक सेक्शन केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बलों की भी मिली है जो कि जगह जगह पर पेट्रोलिंग कर रही है और भारत और सोलन के नागरिकों को ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि वो बिना किसी डर के मतदान में हिस्सा लें और अगर किसी को किसी तरह की सुरक्षा की कोई कमी नज़र आती है या उसको लगता है कि उसकी सुरक्षा में कोई मुश्किल आ रही है तो वो सोलन पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। और फ्लाइंग स्क्वाड के अलावा स्पेशल सर्विलेंस टीम्स भी बनी हैं, वो सिर्फ यही काम करती हैं जो कि समय समय पर गाड़ियां चेक करती हैं और इस तरह के जो भी व्यक्ति हैं उनके ऊपर कार्रवाई करती हैं।